आप प्रेग्नेंट है और आपको आम खाने का मन करता है, लेकिन जब भी आप आम खाने की बात करती है तो कोई दादी, नानी या फिर सास टोक देती है। तो आपको आम नहीं खाना चाहिए या बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या खाना ही नहीं चाहिए? क्या वाकई में ये सब ठीक कह रहे हैं? क्या आम खाना इतना खतरनाक है? तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी में आम खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है। क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को आम खाना खतरनाक हो सकता है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैंगो में क्या फ़ायदा होता है। तो इसका सबसे पहला न्यूट्रिशियल बेनिफिट है कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपके बॉडी के आयरन के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। आप बाहर से किसी भी रूप में आयरन का सोर्स ले रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करने में विटामिन सी हेल्प करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये गर्भ में पल रहे शिशु और माँ को एनीमिया से बचाता है, यानी खून की कमी से बचाता है। कभी न कभी आपने ये किसी से कहते हुए सुना होगा कि आम खाने से खून की कमी दूर होती है, साथ ही आम खून को जल्दी रिकवर करता है। तो वो कैसे? क्योंकि आम में विटामिन सी होता है जो आयरन को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट। और नंबर दो है, मैंगो में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। आपके रूटीन में गड़बड़, हार्मोन के इधर उधर होने से, या फिर आप कुछ ऐसा खा ले रहे हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट हैं और मैंगो खाते हैं तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्ज नहीं बनेगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होती है। तो कुल मिलाकर मैंगो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। नंबर थ्री, मैंगो में विटामिन ए होता है। विटामिन ए शिशु की आंखों के लिए, उसके स्किन के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो प्रेगनेंसी में आपको आम जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का स्किन अच्छा होता है, आई साइट बढ़िया होता है और बच्ची की हड्डियाँ भी मजबूत होती है। नंबर चार है, यदि आप प्रेगनेंट है तो फोलिक एसिड का टेबलेट तो लेते ही होंगे ना। यदि आप फोलिक एसिड का टेबलेट ले रहे हैं तो अच्छा है, लेना भी चाहिए। साथ ही मैंगो में भी फोलिक एसिड होता है बहुत अच्छे मात्रा में, जो आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आम खाना जरूर चाहिए। नंबर पाँच है, प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स होना बहुत जनरल बात है। कभी कभी चलते फिरते या सोते सोते भी एकदम पैरों में झिनझिन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा पैर अभी मुड़ नहीं पाएगा, मैं पैर को नहीं मोड़ पाऊंगी, ना ही पैर से उठ पाऊंगी, पैर को हिला भी नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगा। ऐसी सेंसेशन आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी न कभी जरूर हुई होगी। तो पोटेशियम की कमी, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को मैनेज करता है आम। मैंगो में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और पोटेशियम की कमी को भी दूर करता है। नंबर छः है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंगो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है या आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंगो खाना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अब आप ही बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंगो खाना है या फिर नहीं खाना है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आम क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसमें अच्छी मात्रा में मीठा मौजूद होता है, आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। आप ऐसा नहीं कि एक बार में 10-12 खा ले या पूरे दिन में 1 किलो 2 किलो तक खा ले, ऐसा नहीं करना है। आप एक दिन में 2 से 3 खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी है, पोटेशियम है, फोलिक एसिड है, विटामिन ई है और एंटीऑक्सीडेंट है, इतना सारा न्यूट्रिशन है। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट पावर हाउस है। तो आम आप ज़रूर खाइए, क्योंकि ये आपके और आपके शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन लिमिटेड में खाना है, दिन भर में 1 या 2 खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।